हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद कुर्बान और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं आज मैं अरबी पत्ता से एक नया डिश बनाने जा रहा हूँ और ये डिश बहुत ही मजेदार है। चलिए आज मेरे वीडियो में बने रहें, अब मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए सबसे पहले हमें जाना होगा बागान, बागान से जाके वो पत्ता को तोड़ेंगे और आप लोग को ये डिश बना के दिखाएंगे। दोस्तों मैं बागान पहुँच गया हूँ, देख सकते हैं वहाँ पे अरबी पत्ता बहुत सारा पड़ा हुआ है। मिर्ची को काट के बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अरबी पत्ता मैंने तोड़ लिया है, सबसे पहले इसे डंठल को काटेंगे। तो डंठल निकाल चुके हैं, अब मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले बेसन को डालेंगे, इसमें मसाला हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर सब इसमें मिक्स किया हुआ है। अब इसे डालेंगे ये बेसन में। इसके बाद नमक को डालेंगे। बेसन का मसाला बन चुका है। चलिए अब हम इसमें लगाते हैं पत्ते में। ये पत्ते पत्ते में अच्छी तरह से पूरा मिलाएंगे। ये पूरा पत्ता लग चुका है, इसके बाद एक और पत्ता देके उसके ऊपर भी लगाएंगे। अब इसे फोल्ड करके दूसरी साइड भी लगाएंगे। सबसे पहले इसे भाप लगाएंगे। दोस्तों ये भाप लग चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो चुका है, अब इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें तेल डालते हैं।
दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसे 2 मिनट तक और पकने देंगे, ये क्रिस्पी हो जाएगा और कुरकुरा टाइप से हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन पका है इसको। ना डिश बन चुका है, देख सकते हैं ये बहुत ही क्रंची बना हुआ। देखिए आवाज़ भी सुन सकते हैं इसका, बहुत ही क्रंची है। और ये खा के तो चेक नहीं किए। वाकई में दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बना है, इसे आप लोग घर में भी बना सकते हैं, एक बार बना के ज़रूर खाइए। और ये शॉर्टकट डिश है, ये मज़ेदार है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर।